भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को बुधवार को मोहाली में 7 विकेट से रौंद दिया। स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले में भारत के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य था, जो उसने 19 ओवर में 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। भारत की ओर से कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 72 रनों की पारी खेली। शिखर धवन ने 40 रन बनाए, लेकिन धवन का जो कैच डेविड मिलर ने लपका, उसे देख कर कोहली भी हैरान रह गए। शिखर धवन सेट नजर आ रहे थे। वो T20 क्रिकेट में 7000 से ज्यादा के आंकड़े को छूने से सिर्फ 4 रन दूर थे। तबरेज शमसी की गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन पर शॉट खेला और लगा कि वो विराट कोहली, सुरेश रैना और रोहित शर्मा की लिस्ट में शामिल होने वाले हैं, लेकिन तभी मिलर की एक छलांग ने सबको हैरान कर दिया। मिलर ने लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री पर छलांग लगाते हुए एक हाथ से लाजवाब कैच पकड़ लिया। ये इस मैच का दूसरा शानदार कैच था। इससे पहले विराट ने क्विंटन डिकॉक की पारी का अंत किया था, पर अगर आप दोनों के कैच के बाद एक को देखेंगे तो शायद मिलर का कैच आपको बेहतर लगे। तबरेज शमसी की पारी का ये 12वां ओवर फेंक रहे थे। इस ओवर की चौथी गेंद पर विकेट सपाट थी। धवन ने आगे बढ़कर गेंद को सीधा खेला। गेंद बाउंड्री की ओर जा रही थी और हर किसी को लगा कि ये छक्का हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं डेविड मिलर के शानदार कैच ने बता दिया कि उसमें दम है। यही नहीं, डेविड मिलर का ये 50वां कैच भी था। वहीं मिलर के पास इस कैच को पकड़ने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं था, ना तो रिएक्ट करने का और ना ही दौड़कर लय बनाने का। उन्होंने अपने दाएं और दो कदम की दूरी तय कर हवा में पूरी ताकत के साथ छलांग लगा दी और गेंद को हवा में ही लपक लिया। डेविड मिलर का T20 इंटरनेशनल का ये 50वां कैच उनके लिए यादगार कैच भी बन गया। यानी कि साउथ अफ्रीका हारा जरूर, लेकिन मिलर के कैच ने उनके फैंस का दिल जीत लिया। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।